जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम कुछ इस तरह से बच्चों से बात करते हैं या फिर कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जो हम नहीं चाहते कि इन फ्यूचर वो वर्ड्स यूज करें या फिर वो इस तरह से बात करें। जैसे कि हम बच्चों को कई बार बोल देते हैं, अंधी है क्या, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि ये पेन यहीं पे पड़ा हुआ है, तब से मांग रही हूँ। या फिर बहरा है क्या, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मैं कब से बोल रही हूँ तेरे को। तो आप ये सोचो कि अगर वो इन फ्यूचर इस तरह से अगर आपसे बात करें तो आपको कैसा लगेगा। इन एडिशन कई पेरेंट्स गाली का लॉज बहुत करते हैं, तो जब वो बात कर रहे हैं अपने बच्चों से तो गाली दे दी, या फिर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको गाली दे के बात करी, या फिर उनके सामने आप झगड़ा कर रहे हो किसी से और गाली दे रहे हो, तो वो वर्ड्स भी बच्चों के दिमाग में अनकॉन्शियसली उनके वोकैबलरी में एड ऑन हो जाते हैं और इन फ्यूचर वो वही वर्ड्स यूज करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप उनको नहीं टोकते हो या नहीं मना करते हो कि बेटा ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर वो बड़े होकर आपके लिए भी या फिर आपसे बात करते हुए भी इन वर्ड्स का यूज करें। तो आप जब भी बच्चों से बात करें या बच्चों के सामने बात करें तो हमेशा अपनी वोकैबलरी को, अपने वर्ड्स को संभाल के बात करें कि आप किस वोकैबलरी को यूज कर रहे हो, आप किन वर्ड्स को ऑप्ट कर रहे हो बात करते हुए उनके सामने।